दोबारा चुने जाने का यह पहला उदाहरण है। अभी नड्डा जी ने विस्तार से बताया, उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। तीन राज्य यूपी, गोवा और मणिपुर में सरकार न होने के बावजूद बीजेपी के वोट शेयर में वृद्धि हुई है। गोवा में सारे एग्जिट गलत निकल गए और वहां की जनता ने तीसरी बार सेवा करने का मौका दिया। 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी राज्य में बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ी है। उत्तराखंड में भी भाजपा ने नया इतिहास रचा है। राज्य में पहली बार कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। यानी सीमा से सटा एक पहाड़ी राज्य, एक समुद्र तटीय राज्य और एक मां गंगा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त एक राज्य और पूर्वोत्तर सीमा पर एक राज्य भाजपा को चारों दिशाओं से आशीर्वाद मिला है। इन राज्यों की चुनौतियां भिन्न है, सबकी विकास की यात्रा का मार्ग भिन्न है, लेकिन सबको जो बात एक सूत्र में पिरो रही है वो है भाजपा पर विश्वास। भाजपा की नीति, भाजपा की नीयत और भाजपा के निर्णयों पर अपार विश्वास। साथियों, ये चुनाव नतीजे भाजपा की प्रो पुअर, प्रो एक्टिव गवर्नेंस पर एक प्रकार से बड़ी मजबूत मोहर लगाते हैं। पहले जनता अपने ही हक के लिए सरकार के दरवाजे खटखटाकर थक जाती थी। बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन, बहुत बुनियादी सुविधाओं के लिए, सामान्य जरूरतों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, पैसे देने पड़ते थे, कुछ साधन संपन्न लोगों तक सुविधा पहुंचने के रास्ते अलग थे, पहुंच जाती थी। देश में गरीबों के नाम पर घोषणाएं बहुत हुई, योजनाएं भी बहुत बनी, लेकिन उस योजनाओं का जो हकदार था, जिस गरीब का उस पर हक था, उसके लिए ये हक उसको मिले बिना परेशानी को मिले, उसके लिए
गुड गवर्नेंस डिलीवरी इसका